लॉकडाउन के चलते अपने घरों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूर एक बार फिर हादसे का शिकार हो गए हैं। हाल ही में ताजा मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के गुना से, जहां कंटेनर और बस की टक्कर में 8 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 50 मजदूर घायल हो गए और यह हादसा रात 2:30 बजे के करीब का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये सभी मजदूर यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग कंटेनर में सवार होकर यूपी जा रहे थे और घायलों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गुना कैंट थाना के पास सामने की ओर से आ रही बस जिसमें 40 मजदूर सवार थे कंटेनर से टकरा गई। टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मजदूरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सड़क पर अचानक से चीख पुकार मच गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर कंटेनर में अपने परिवार के साथ सवार थे। प्रशासन को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गुना के वरीय अधिकारी जिला अस्पताल में पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहे हैं और प्रशासन के लोग मजदूरों की पहचान करने में लगे हुए हैं। न्यूज़ डेस्क।